लगातार ये सवाल दाग रहा है कि आखिर आपकी एजेंसियां, आपकी सुरक्षा की जो व्यवस्था थी, उसने लाल किले के प्राचीर तक किसी दूसरे झंडे को कैसे टांगने की इजाजत दे दी? क्या होगा आपका जवाब? वो कह रहे हैं आपने आंदोलन के इस ट्रैक्टर रैली को मिसहैंडल किया। समझ देखिए अंजना जी, आज आपसे मैं अनुमति लूंगा और कहूंगा कि मैं बहुत एक भारतीय जनता पार्टी का मात्र प्रवक्ता बन के नहीं बोलूंगा, आज मैं अपनी दिल की बात को हिंदुस्तान की जनता के सामने रखूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले ने हिंदुस्तान के दिल को झकझोर के रख दिया। 26 जनवरी में हिंदुस्तान पे हमला, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आपका प्रश्न कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी, हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसी उपद्रवियों को, ऐसे उग्रवादियों को लाल किले तक पहुंचने क्यों दिया, मैं उत्तर देता हूं। एक बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान में ऐसी थी जिसमें तथाकथित किसान भी और कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर भी शामिल थे, जो चाहते थे कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की पुलिस इन पर गोली चलाए, जो चाहते थे कि अफरा तफरी हो, जो चाहते थे कि सड़क पर खून बहे और लाशें बिछ जाएं, ताकि वो गिद्ध बनकर मंडरा के आते और लाशों के ऊपर बैठ जाते और कहते कि देखो जलियांवाला कांड हो गया, देखो सिखों के ऊपर इस सरकार ने, मोदी ने, जो जनरल डायर है उसने गोली चला दी। वो मोदी जी को जनरल डायर बनाना चाहते थे 26 जनवरी के दिन। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाया है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने 300 बच्चों को बचाया है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने अपने तो जख्म खा लिए मगर लोगों को जख्मी नहीं होने दिया है, एक भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदुस्तान का दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी जख्मी नहीं किया है, ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस एक संयमित फोर्स है। मैं आज लाल किले में आप डिबेट कर रही हैं, मैं भी आज दिल्ली पुलिस को सलाम करता हूं, हिंदुस्तान की सरकार को सलाम करता हूं। ये लोगों की एक ही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को जलियांवाला बाग बनाना और मोदी जी को हिटलर और जनरल डायर कहना। आज वो नहीं हो पाया है तो ये तिल मिला रहे हैं। अभी मैं देख रहा था गुरनाम चौधरी जी कह रहे थे अरे हम तो पाक साफ है, ये दूसरे एजेंसी जाके कर दे रहे हैं। अरे गुरनाम चौधरी ने भाषण दिया था, BKU हरियाणा के अध्यक्ष है, उनका भाषण मैं पढ़ रहा हूं। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, 26 जनवरी आएगा हम सारे बैरिकेड तोड़ देंगे, 26 जनवरी को फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच। ये फाइनल मैच चाहते थे आप? चाहते थे लाशें बिछे? आपने तो खुद कॉल किया था कि हम बैरिकेड तोड़ देंगे और आज आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, यहां पर राकेश टिकैत जो सुबह से पता नहीं 10 बार अपना बयान बदल चुके हैं, राकेश टिकैत कह रहे थे दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोकेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा, बक्कल उतार के रख दी जाएगी, अपना झंडा डंडा सब लेके आ जाओ, समझ जाओ। ये समझ जाओ क्या होता है? डंडा लेके आ जाओ, समझ जाओ क्या होता है? अंजना जी आप बताइए, कौन सा ऐसा किसान आंदोलन पूरे विश्व में होता है जिसमें तलवार तमंचा तीर ये सब लेके घोड़े लेकर कोई किसान आता है? अरे हम इतने मूर्ख नहीं है, हम राहुल गांधी नहीं है, हम हिंदुस्तान की जनता है। और देखिए एक एक को ऐसा जवाब मिलेगा कि ये अपने जीवन भर याद रखेंगे हिंदुस्तान के तिरंगा और हिंदुस्तान में लाल किले के साथ खिलवाड़ करने वाले का अंजाम क्या होता है। आप देखिए भविष्य में क्या होता है। ठीक है सुप्रिया जी, अब सवाल आपसे है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस ट्रैक्टर परेड को समर्थन दिया था, लेकिन सवाल यही होता है कि जब जब इस तरह का आंदोलन होता है बेकाबू होते हैं, चाहे आप उपद्रवी कहिए जो यहाँ पर पहुंच गए। देखिए कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन लाल किला और वहां पर फहराने वाला तिरंगा हिंदुस्तान का होता है। इसको पार्टी में अगर बांट दिया जाएगा तो फिर देश को नुकसान होता है। कौन है देश में इस वक्त नहीं जो शर्मसार है कि यहाँ पर इस तरह से उपद्रवियों का कब्जा हुआ? मैं आपके शो पर कल भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कहती हूँ, एक भारतीय होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और एक महिला होने के नाते, कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा दूसरे किसी ध्वज का कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, उसकी शान सिर्फ तिरंगे से है, क्योंकि लाल किले में हमारी आजादी का लहू मिला हुआ है। सबसे पहली बात। मैं दूसरी बात, क्योंकि मैं इस डिबेट को थोड़ा संजीदगी से ले रही हूँ, मैं लालो लपों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ। 4 मिनट बीजेपी से संबित जी बोले, उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा समर्थन था ट्रैक्टर रैली को, लेकिन किसी भी हिंसा की जितनी भर्त्सना करी जाए और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए वो कम है। अगर समर्थन हमारा था तो स्वीकृति सरकार और पुलिस की भी थी, इसका मतलब बंदोबस्त होना चाहिए था। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, और मेरे 2 सवाल है कि पिछले 1 साल से कम में
ये देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा उपद्रव, दूसरा दंगा एक तरह से हो चुका है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही बनती है? और मैं दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ आप ही के माध्यम से और देश के सामने रखना चाहती हूँ, भाजपा से पूछना चाहती हूँ। सब कुछ भूल जाइए, इन लोगों ने गलत किया, लेकिन लाल किले में घुसने की परमिशन कैसे मिल गई? कैसे ये लोग लाल किले की प्राचीर पे घुस गए? कैसे ये लोग जाके लाल किले पे झंडा फहराए? क्योंकि लाल किला हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं बर्बाद करूंगी, ये फोटो जरूर दिखाऊंगी। ये वही दीप सिद्धू है जो पीएम के घर में घुस के फोटो खिंचवा लेता है। ये वही दीप सिद्धू है जो अमित शाह जी के साथ बैठकर फोटो खिंचवा लेता है। मैं ये जानती हूँ कि राजनेताओं के साथ चलते फिरते फोटो खिंचा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रैली में खिंचा लेता है, कोई कहीं खिंचा लेता है। कितने लोगों को प्राइम मिनिस्टर आवास और उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश, कितने लोगों को अनुमति है, इसका जवाब कौन देगा? मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।